आज मेरा बहुत मन कर रहा था खेलने का। कितना बोर हो रहा है और ये मेरे साथ खेल भी नहीं रही है। अभी मैं क्या करूँ? मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है आज। अब मैं क्या करूँ? किसके साथ खेलूँ? ये भी आज बहुत भाव खा रही है। कान तो देखिए कैसे है इसके, और कितना भाव खाती है। हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये लड़की है ना, लड़कियों को तो भगवान भी नहीं समझ पाता। मैं तो एक सीधा साधा छोटा सा बच्चा हूँ, इसको क्या समझूंगा। भगवान, ये लड़कियों को ऐसे क्यों बनाया तूने? हम लड़के कितने सादे, सिंपल, क्यूट होते हैं, और ये लड़कियाँ नक्चरी, देखो तू कैसे भाव खा रही है। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे खेलना है। भगवान है कहाँ रे तू, कुछ कर मुझे खेलना है। देखो देखो जहाँ कैमरा दिखा नहीं वहाँ आ गई फुटेज खाने। ये लड़कियाँ ना कैमरे के सामने कैसे खड़ी रहती है, और हम लड़कों को कितना सादा सिंपल रहते हैं हम। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस पर, लेकिन कर भी नहीं कुछ सकता। फिर बाद में कुछ करूंगा तो मुझे कहेंगे मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, और ये कुछ भी कर ले। देखो देखो कैसे सामने आके खड़ी हो गई। मुझे तो इसकी तरफ देखना भी नहीं है। मैं कितना शांत बैठा और इसके देखो नखरे, लेकिन कह भी नहीं सकते, लड़की है ना, फिर नाटक करेगी रोने धोने का। ये लड़कियां, मुझे नहीं देखना इसकी तरफ, ये क्यों आ रही बार बार सामने, क्या करूं मैं इसका। भगवान कुछ कर, मुमी गुच्चा, इतना सहनशील बनना पड़ता है। भगवान है कहाँ रे तू, मेरी भी सुन ले अरज, इसको कहीं तो भेजता, मुझे नहीं चाहिए ये। कितना भाव खाएगी और कितना शांत बैठूं मैं, एक तो मुझे खेलने भी नहीं दे रही, मेरे साथ खेल भी नहीं रही है, और इतना इतना सहन कर रहा हूँ मैं। देखो मेरी तरफ देखो, कितना सहनशील हूँ मैं, मेरी आंखें देखो और इसकी आंखें देखो, कैमरे के सामने आके खड़ी हो गई, फुटेज ले रही है पूरा। क्यों ना अगले साल बिग बॉस में तू ही जा, क्योंकि वहाँ के भी लोग फुटेज खाने के लिए मरते हैं, और तुझे भी फुटेज ही खाना है, और भाव तो तू वैसे भी खाती है, सारे तेरे गुण बिग बॉस जैसे। आ गई देखो सामने से आके झगड़ा करेगी, तू एकदम परफेक्ट है बिग बॉस में जाने के लिए, चली जा। अभी देखो कैमरे के सामने कैसे कितनी भोली सूरत बनाकर खड़ी रहेगी, ये तो लड़कियों की क्वालिटी होती है जो इसमें भी है। भगवान है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू। देखा मैंने कहा था ना, जहाँ कैमरा वहाँ वो, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़े देखे हैं, लेकिन यार कुछ भी कह लो लड़कियाँ दिखती बहुत खूबसूरत है। पता नहीं कैसे इतनी खूबसूरत दिख लेती है, देखो कितनी क्यूट लग रही है। बस जिस तरह दिखती है उस तरह सच्ची में दिल से भी होती ना तो मजा आ जाता। मुझे तो देखना भी नहीं है इसकी तरफ, आज मुझे इस पे इतना गुस्सा आया है। जब इसको मेरी जरूरत होती है, इसको खेलना होता है, तब मेरे पास आती है, लेकिन आज मेरा खेलने का मूड है, मुझे बोर हो रहा है, तो देखो इसके नखरे। हाँ हाँ देख लो, अभी उठी है, अभी इसका खेलने का मन होगा तो मेरे पास आएगी। देखो कितनी क्यूट देख रही है, लेकिन आज मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं तो मैं फिर से पिघल जाऊंगा, इसकी तरफ देखूंगा तो, और ये फिर से भाव खाएगी। मुझे इसको देखना भी नहीं, बात भी नहीं करनी आज मुझे इसके साथ, मेरा सुबह से इसने दिमाग खराब कर रखा है। चांद
उसके करियर आज तो भगवान है कहाँ रे तू? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर मैं चला जाऊँ तो क्या ये मुझे देखेगी और मेरे साथ खेलने आएगी? एक बार ट्राई करता हूँ, धीरे 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 जाता हूँ, शायद वो आ जाए। आ गई। अब इसका खेलने का मन कर रहा है, अब मैं नहीं खेलूंगा, मुझे खेलना ही नहीं है, नहीं खेलना मुझे तेरे साथ, चली जा। सुबह से मेरा खेलने का मन कर रहा था तो तब आई नहीं, अब मेरे साथ खेलना है तुझे, अब मैं भी नहीं खेलूंगा, जा, मैं नहीं खेलने वाला तेरे साथ। कितना भाव खाया तूने? मैं नहीं खेलूंगा, बिल्कुल नहीं खेलूंगा। मतलब तेरा जब मन करेगा तब तू खेलने आएगी? अब मना भी नहीं रही है, नहीं खेलना मुझे तेरे साथ, कट्टी। आगे का झगड़ा अगले एपिसोड में, क्या राजा छोटू के साथ खेलेगा या फिर वो भी भाव खाएगा, चलिए अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक देखते रहिए कुकी होम।